गाइस, बस वो क्या भी थोड़ी देर पहले उठ गया था और चाय हमने पी ली है। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाहर का व्यू कितना अच्छा दिखता है। यहाँ से बाहर का व्यू देखो कितना अच्छा दिखता है यहाँ से। भाई कभी हम सोच होते हैं और लोग यहाँ लाने भी आ चुके हैं और हमारा मन नहीं कर रहा लाने का भी। काफी ठंडा पानी हो रहा है नदी का भी भाई, अभी काफी ठंडा पानी लग रहा है। हमारा नहाने का मन नहीं कर रहा नदी में भी, हम शावर ही में नहाने वाले हैं अंदर। सो गाइस, अभी हम उठ चुके हैं, ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के नेचर की ब्यूटी। ये देखिए हमारे दो फ्रेंड गार्डन में आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, हाय ये हमारे एक और फ्रेंड आ गए। ये हमारे तीन दोस्त हैं, एक सुब्बू है, तीनों दोस्त सुब्बू दीपू गुरु। तो गाइस हम अब नहाने जा रहे हैं और सामने जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए। स्विमिंग पूल तो अभी मन नहीं कर रहा स्विमिंग पूल में नहाने का, क्योंकि स्विमिंग पूल से अच्छी तो नदी है सामने नहाने के लिए। और इस वाली नदी में हम नहाने वाले हैं, अभी जा रहे हैं अभी हम यहाँ पर, तो चलते हैं फिर। तो गाइस हम जा रहे हैं सामने नहाने, तो चलते हैं फिर, बहुत मज़ा आने वाला है आज। रोहित आ जा यार, रोहित फिर बैठ यहाँ पर। रोहित की तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी है। तो गाइस हम जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर और तो गाइस हम नीलकंठ रोड पे अभी चल चुके हैं और काफी टाइम लगेगा अभी हमें पहुंचने, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है तो काफी हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अप्रोक्स आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो गाइस हम नीलकंठ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग पर खड़ी कर दी है और यहाँ से हम पैदल जाना है, हमें 1.5 किलोमीटर कम से कम पैदल जाना है हमें आगे, और काफ़ी धूप हो रही है। नीलकंठ रोड जाते जाते गाय को बहुत तेज से प्यास लग रही थी, तो पानी की जगह हमने सिकंजी पिलाई है। इस भाई के भी पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही थी, पेट सही करने के लिए सोडा पिला रहे हैं। ये अंकल ये बहुत सहायता करते हैं, पानी पिलाते हैं सोडा के साथ। ये और देखो थोड़ा एंजॉय लेते हुए। ये भाई थोड़ा हमारा बीमार हो गया था, तो यहाँ पे कोई मेडिकल उपलब्ध नहीं है, इसके कारण पिला पिला के ले जा रहे हैं हम। भाई अभी हमें 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है और 1.5 किलोमीटर मंदिर दूर है, तो काफी धूप हो रही है।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ही हरा भरा ग्रीन है और देख सकते हैं नीचे तक गहराइयों तक बहुत दूर तक किसका ग्रीन ही ग्रीन नजर आ रहा है। भाई चलने में थोड़ी हेल्प तक हुए नीलकंठ मंदिर बाबा के दर्शन करने। बाबा का बुलावा आया था 5 लोगों का, तो हम 5 ही जा रहे हैं, छठवें को नहीं ले जा रहे हैं। बाकी जा रहे हैं जो आप देख सकते हो बड़ी मेहनत करके जा रहे हैं, देखो इतना रिक्स लेके। और काफी भीड़ है यहाँ पे, देखो छोटे छोटे घर बसे हुए हैं, वो चिट्टियों की तरह दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ काफ़ी ऊंचाई पे हूँ मैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, तो पैदल जाना पड़ रहा है गाइस हमें 1.5 किलोमीटर करीबन पैदल चलना है। और अभी हम भाई सब थोड़ा सा बचा है और हम पहुंचने वाले हैं, काफी थक गए हैं। शुम कितना थक गया भाई तू? बहुत थक गया भाई अभी। और रोहित की तो हालत खराब हो चुकी है, रोहित को पूछो मत। गाइस यहाँ पर देखो कैसे खेत होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो देखो इतना दूर तक। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा दूर बचा है। कोविड के कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ है यहाँ पर। गाइस बस अब 2 मिनट का रास्ता बचा है, अभी एक भैया से हमने पूछा तो भाई बोल रहे हैं 2 मिनट बचा है बस खाली, तो बस पहुंचने वाले हम जल्दी आओ यार। संदीप भाई क्या कर रहे हो? तो गाइस ये यहाँ की मार्केट है पूरी मंदिर के बाहर। फाइनली नीलकंठ मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं और प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पर। और अभी रोहित और गुरुदेव अभी काफी पीछे, अभी तक आए नहीं, हम उनका वेट कर रहे हैं जब तक हम प्रसाद ले लेते हैं। के अंदर एंटर कर लिया है, गाइस अब हम मंदिर से होटल की ओर जा रहे हैं और काफी धूप हो रही है, गर्मी लग रही है काफी। हम नीलकंठ महादेव के मंदिर से आ चुके हैं और अभी शाम के बज चुके हैं 7 और हम चाय और फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं, डिनर उसके बाद करेंगे रात को। अभी हमने सोचा रखा था फ्रेंच फ्राइज और चाय ले लें साथ में। तो गाइस हम जा रहे हैं अब डिनर करने और आज मैंने ही पग बांध ली है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और भाई ने मुझे पग बांधनी सिखाई है, मतलब लग रहा है कि कुछ
भारी भारी था सर पे। गए थे आज और देखो यहाँ पर सब बैठे हैं। अभी डिनर होगा, सब होगा तो गाइस यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, तो सर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी डिनर टाइम हो रहा है और रात के 10 बज चुके हैं और सब मज़े से डिनर कर रहे हैं। ये कल सुबह की प्लानिंग कर ली है, कल सुबह कहाँ कहाँ जाना है हमें और कहाँ जैसे कि माया ने जो उससे निकले इसी का हम पहुँचेंगे यहाँ पर। हरिद्वार कल सुबह जाने वाले हैं, स्नान करते हुए और लक्ष्मण झूला लक्ष्मण झूला झूलते हुए हम लोग इंजॉय करते हुए निकलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो मोर, थैंक यू। तो गाइस हमारा डिनर पूरा रेडी हो चुका है और क्या खा रहे हो भैया? मटर पनीर। तो कैसा बना है मटर पनीर? तो भाई बोला उत्तराखंड का खाना बहुत बेस्ट है, माया रिसोर्ट का, और मायना रिसोर्ट का खाना बहुत बेस्ट है एकदम। और हमें खाना सबसे अच्छा मिला है सर की वजह से। सर अगर सर नहीं होते तो हमें खाना इतना बेस्ट नहीं मिलता, बट सर ने सपोर्ट करा तो काफ़ी बेस्ट खाना मिला हमें यहाँ पर। तो भाई आज का डिनर हमारा काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो कि सर की वजह से हुआ है, परवीन सर की वजह से हुआ है। तो भाई मिलते हैं डिनर के बाद आपको। भाई यहाँ पर सब लोग ये खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। तो कैसा बना है गुड़िया? तो गाइस इनको काफ़ी अच्छा लगा खाना यहाँ का। तो मिलते हैं गाइस डिनर के बाद, बाय। गाइस हमारा डिनर हो चुका है और काफ़ी अच्छा डिनर बनाया था, एकदम टेस्टी और यम्मी। भाई जल्दी जल्दी खाओ यार। तो गाइस आज का ब्लॉग पूरा रिकॉर्ड हो चुका है और एडिट हो चुका है, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ब्लॉग अभी कल या परसों अपलोड होगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।